अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी। तो आज की रेसिपी है कुछ यूनिक और स्टाइलिश। मैं यूनिक और स्टाइलिश इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये रेसिपी आपके टी पार्टी या अफ्तार पार्टी को चार चांद लगा देगी। और मैंने इस रेसिपी का नाम दिया है एलिगेटर फेस जिंगर चिकन पॉकेट्स, है ना यूनिक। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1.5 टेबल स्पून चीनी, 2 टेबल स्पून ईस्ट, थोड़ा सा पानी डाल के चीनी और ईस्ट को डिजोल्व कर लें। हम ईस्ट को अलग इसलिए डिजोल्व करते हैं, क्या पता ईस्ट एक्सपायर ना निकल जाए हमारी। चीनी डिजोल्व करने के बाद हमें 3 कप मैदा लेना है। ये 3 कप मैदे से तकरीबन हमारे 24 पॉकेट्स बन सकते हैं आराम से। 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 1 टी स्पून नमक, 1 अंडा, 4 टेबल स्पून ऑयल, आधा ऑयल हम मिक्सचर में डालेंगे और आधा एंड में। सारा सामान डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि सारा मटेरियल कम्बाइन हो जाए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसकी सॉफ्टी डो गूननी है। ये जो हम आटा गूनते हैं, ये आटा बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है, जैसे हम इसे ब्रेड बना सकते हैं, पिज़्ज़ा बना सकते हैं, चिकन बॉक्स वगैरह। ये एक ही डो मल्टीपर्पज़ बेकिंग की चीज़ों में इस्तेमाल होती है। डो का आटा गूनने में थोड़ी परेशानी होगी, आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है वरना आपका आटा पतला हो सकता है। मैंने तकरीबन 10 मिनट गूना है अपनी डो का ताकि उसमें एक लचक पैदा हो। पूरा आटा समेटने के बाद इसमें हम बचा हुआ तेल डालेंगे। अच्छी तरह तेल लगाने के बाद इसे हम प्लास्टिक रैप से टाइट कर देंगे, मतलब एयर टाइट कर देंगे। अगर आपके पास प्लास्टिक रैप ना हो तो आप किसी एयर टाइट कंटेनर में रखकर इसे 1 घंटे तक किसी गर्म जगह पर रखें ताकि हमारी डो अच्छी तरह राइज हो जाए। इसे मैं प्लास्टिक रैप करने के बाद किसी गर्म जगह पर रख दूंगी। जब तक हमारी डो राइज हो रही है, हम अपनी कॉलसनों बना लेते हैं। यहाँ मैंने एक पाव बंद गोभी ली है जिसे लच्छे की शेप में कट कर लिया। 1/4 टी स्पून नमक, 1/2 टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून शुगर, 1 कप मायोनीज सादी वाली। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कोलसनों में आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, क्रीम से इसका जायका और बढ़ जाएगा। चीनी और नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से रखना है, काली मिर्च आपने इतनी ही लेनी है। कोलसनों मिक्स करने के बाद इसे हम फ्रिज में रख देंगे तक हम अपने पॉकेट्स बनाते हैं। और यहाँ माशाल्लाह से हमारी डो राइज हो गई है। अब मैं इसके ऊपर से प्लास्टिक रैप हटाकर इसमें 2-3 मुक्कियाँ मारकर इसकी एयर निकाल दूंगी। स्लिप या चकली पे थोड़ा सा मैदा तस करके डो को हम दोबारा गूंदेंगे ताकि इसमें अच्छा सा ग्लूटेन पैदा हो। ग्लूटेन हम इसलिए बनाते हैं अपने आटे में ताकि हमारे पिज़्ज़ा हो या फिर कोई भी बन वगैरह हो बहुत अच्छे बन सकें, कोई भी बेकिंग आइटम वगैरह। अब आप अपनी डो को 4 हिस्सों में तकसीम कर देंगे ताकि हमारा हर पेड़ा बराबर का हो। और यहाँ मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब हमें एक पेड़ा उठाकर दूध में पहले डिप करना है, फिर तिल के अंदर। ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आप तिल इसमें अप्लाई करेंगे तो आपके पॉकेट्स बहुत खूबसूरत बनेंगे। चाहे तो आप इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। मैं तिल अप्लाई करूंगी ताकि मेरी रेसिपी यूनिक बने। पहले हमें दूध में डालकर इसे 2 सेकंड के लिए डिप करना है, फिर तिल की प्याली में डालकर इसे प्रेस करना है ताकि तिल डो पर अच्छी तरह चिपक जाए, जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ वैसी। पेड़े को स्लिप पे रखकर थोड़ा सा उस पर आटा छिड़क कर हाथों से प्रेस करना है हमें पेड़े को। हाथों की मदद से ही हम पेड़े को बड़ा करेंगे ताकि हमारे तिल इस पर चिपक जाए प्रॉपरली। अब हमें इसकी रोटी बनानी है। रोटी इतनी मोटी हो जितनी हम डोनट्स की डो रखते हैं, मतलब 1 इंच के बराबर। रोटी बनाने के बाद इसे हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, तो जिस तरह मैं दिखा रही हूँ वैसी। आप इन पॉकेट्स को गोल भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा यूनिक और स्टाइलिश रखना था इसलिए मैंने इसको तिकोना शेप बनाया, मतलब ट्रायंगल शेप। आगे मुझसे क्लिप मिस हो गई थी पॉकेट डालते वक्त, आपको मैं डायरेक्ट ही दिखा रही हूँ। यहाँ मैंने सारे पॉकेट्स डाल दिए हैं। आपको चूल्हे की आँच बिल्कुल मीडियम टू लो रखनी है ताकि आपके सारे पॉकेट्स अंदर तक पक जाएँ। जब पॉकेट्स का ऐसा कलर आने लगे तो आराम आराम से उसको पलटें। देखिए तेलों की वजह से हमारे पॉकेट्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। पॉकेट्स को आपने कम से कम 10 मिनट तक पकाने हैं, दोनों साइड को 5-5 मिनट तक, जब तक उसमें ऐसा रेडिश कलर ना आ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे पॉकेट्स बना लिए हैं। इन्हें आप ठंडा होने के बाद काटिएगा। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ, मेरे पॉकेट ठंडे हो गए थे। पॉकेट्स को बीच में से कट करके इसमें मायोनीज और केचप का मिक्सचर लगा के इसमें मैंने की चिकन ऐड करी है। चिकन की रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा कि वो वाली चिकन है जो मैंने कॉर्नफ्लेक्स से बनाई थी। इस चिकन का जायका इतना ज़बरदस्त लग रहा था कि आप कोई जिंगर बर्गर हो। लास्ट में हमने इसमें कोलसनों डाली है, कोलसनों अपनी आप मर्जी के हिसाब से डालिएगा। लो जी, तैयार है हमारे यूनिक और स्टाइलिश
एलिगेटर फेस जिंगर चिकन पॉकेट्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।